ये थे एप्पल के थर्ड कोफाउंडर एंड इन्होंने एप्पल के 10% स्टेक्स को सिर्फ $800 में बेच दिया था, जिसकी वैल्यू आज लगभग $100 बिलियन के करीब होती। जब स्टीव जॉब्स 25 साल के थे तब रोनाल्ड वेन ने एप्पल को 10% स्टेक्स के बदले ज्वाइन किया था ताकि कंपनी को एडल्ट सुपरविजन मिल सके। और इन्होंने ही एप्पल का पहला लोगो भी डिजाइन किया था जो कि 1 साल से भी कम यूज हुआ था। लेकिन जल्दी ही इन्हें ये डर लगने लग गया था कि एप्पल के सारे कर्जे शायद इन्हें ही उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय स्टीव जॉब्स ने $15,000 का एक लोन लिया था जिससे कि वो द बाइट शॉप के साथ अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके, जिसमें इन्हें 100 कंप्यूटर्स का ऑर्डर मिला था। अब वेन को ये डर लगने लगा था कि शायद जॉब्स इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बाइट शॉप से नहीं ले पाएंगे, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ 12 दिन बाद ही इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाते हैं एंड अपने शेयर्स को $800 में बेच देते हैं। क्या आपको ये स्टोरी पता थी? लेट अस नो इन द कमेंट्स।